राजधानी में हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या से पूरे सूबे में हाहाकार मचा हुआ है। पुलिस ने तो इस मामले का खुलासा कर दिया, लेकिन इस हत्याकांड की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। वहीं इस मामले पर कवि कुमार विश्वास ने भी ट्वीट कर राजनीतिक दलों की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि दूसरे मजहब पर दिया उसका बयान कानूनी दायरे में अपराध था, उसकी वो सजा भी काट रहा था, लेकिन जिस जाहिल तालिबानी सोच ने दिन दहाड़े कमलेश तिवारी का मर्डर किया, उससे नजर चुरा कर निकलने वाले ये नहीं जानते कि ऐसी कट्टरताओं पर राजनीतिक फायदे के लिए चुप्पी साधना पूरे देश को भारी पड़ता है। बता दें कि अध्यक्ष कमलेश तिवारी हत्याकांड पर तमाम राजनीतिक दल चुप्पी साधे हुए हैं, जिसके बाद कुमार विश्वास ने ट्वीट कर इन राजनीतिक दलों पर निशाना साधा है। न्यूज डेस्क। नाम रहेगा जब तक सुरक्षा।